हाय गाइस, जय जगन्नाथ। आज आप लोगों का साथ एक सुपर पराठा रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आज हम दाल पालक से तैयार करेंगे। देखिए, आप लोग कभी भी घर पे दाल पालक तैयार करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी जब बच जाता है आप उसी से यूज करते हुए इसे तैयार कर सकते, नहीं तो फ्रेश दाल तैयार करते हुए भी तैयार कर सकते, ऐसे नहीं। मैंने यहाँ पर दोपहर में बनाए थे और जितना हम लोग खाए बस बाकी जो बचे हुए उसी से आज हम पराठा तैयार करेंगे, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। सबसे पहले हम एक कटोरी डाली साइड में रख लेंगे। यहाँ पर देखिए, बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ी सी नमक। यहाँ पर हमें थोड़ी सी जीरा धनिया पाउडर डाल लेंगे और सारे चीज़ मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा ली, जिससे हम नॉर्मल रोटी तैयार करते वही आटा लेकर इसे हम पहले डाल लेंगे और चुटकी भर हल्दी पाउडर डालकर इसे हमें मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, हमें जो दाल बचे हुए यहाँ पर दाल पालक रखे थे ना, इसे हम थोड़ी थोड़ी डाल लेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आप एक के साथ ही यूज ना करें, थोड़ी थोड़ी डालकर आप जितना क्वांटिटी में बनाना चाहे तो वो हिसाब से तैयार कर सकते। मैंने यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा और एक कटोरी डाल ली, थोड़ी हमें थोड़ी थोड़ी डालकर इसे हम तैयार करेंगे। मेरे फैमिली के लिए जितना चाहिए मैं उतना तैयार करती हूँ। आप लोग क्वांटिटी ज़्यादा डाल है तो ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते, और यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी डालने का बाद इसे हम एक डो तैयार करेंगे। देखिए, हमें करीब हाफ टेबल स्पून ऑयल लेकर इसे हम अच्छा से हाथ से प्रेड कर लेंगे, फिर हमें इसे अच्छा से एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देख पा रहे, इसे हम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं तैयार करेंगे, थोड़ी सी कड़क होना चाहिए। फिर इसे हम हाथ से थोड़े से इसे हम पेड़ा जैसे, हम जैसे रोटी का डो निकालते बस उसे जितना होता है वही हिसाब से हम निकाल लेंगे। सारे डो हम एक ही साइज में तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब हमारा डो तैयार। अब इसे हम थोड़ी सी आटा लेकर बेल कर तैयार कर लेंगे। जैसे हमें रोटी तैयार बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसे तैयार करेंगे। आप चाहे तो ऑयल लगा कर भी इसे बेल सकते। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल गेहूं का आटा डालकर इसे हम पहले बेल लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम एक पराठा रेडी कर ली। आप लोगों को ज़्यादा मोटा पराठा और छोटा बड़ा जैसे आप बनाना चाहे वही हिसाब से तैयार कर सकते। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज पराठा तैयार करूँगी, जिसे हम खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और अच्छा से सिक जाता है। यहाँ पर देखिए, हम मीडियम साइज पराठा ऐसे तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम गैस ऑन कर लेंगे और तवा को अच्छे से गर्म होने के बाद पराठा डाल लेंगे और इसे हम दोनों तरफ सेकने के बाद देखिए, यहाँ पर हमें ऑयल या बटर से इसे हम स्प्रेड कर लेंगे। अब इसे हम पलटी कर लेंगे और एक तरफ हमें ऑयल डालकर इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, फिर इसे हम पॉल्ट कर लेंगे। ऐसे प्रोसेस से हमें दो तीन बार फ्राई, सॉरी, इसे हम सेक लेंगे। ये थोड़ी क्रंची हो जाए फिर इसे हम निकाल लेंगे। आप देखिए, यहाँ पर हमें उल्ट पल्ट करते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे हम सेक लेंगे। अब हमारा पराठा एक तैयार हो चुकी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे
और बाकी हमें इसे एक एक करते हुए सारे वही प्रोसेस से तैयार कर लेंगे। आप लोगों को बटर में इसे तैयार करना है तो कर सकते, और घी में चाहिए तो तैयार कर सकते। मैंने यहाँ पर ऑयल डालकर सेक कर तैयार कर ली सारे। हम इसे तैयार करने का बाद देखिए यहाँ पर सारे इसे हम थोड़े मीडियम फ्लेम पे कच्ची होने तक इसे हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सारा पराठा तैयार हो चुकी, देख पा रहे कितना बढ़िया तरीक़े से हमारा क्रिस्पी पराठा तैयार हो चुकी। अब इसे हम एक प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और इसे कोई भी सॉस या चटनी के साथ इंजॉय कर सकते। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगे होंगे। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और बहुत अच्छा लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।